भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक जिला शामली। ये पहले मुजफ्फरनगर जिले का एक चर्चित तहसील हुआ करता था। ये पहले प्रबुद्ध नगर जिले के नाम से भी अस्तित्व में आया था। ये दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिल्ली से 100 किलोमीटर, सहारनपुर से 65 किलोमीटर, मुजफ्फरनगर से 38 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये पूर्व में मुजफ्फरनगर, पश्चिम में हरियाणा यानी पानीपत, उत्तर में सहारनपुर एवं दक्षिण में बागपत जिले से घिरा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में कुरुक्षेत्र युद्ध के हस्तिनापुर में जाते समय श्री कृष्ण ने हनुमान धाम में विश्राम किया था एवं पुराने कुएं का शीतल जल पिया था। कुछ कथाओं के अनुसार ये नगर कुंती पुत्र भीमसेन द्वारा बसाया गया था। प्यारे दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, वो जो बेल आइकन के बगल में रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसे प्रेस करके लिए चैनल को हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और नॉलेजफुल वीडियो। स्थापना 28 सितंबर 2011। क्षेत्रफल 1167.58 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 13,13,650। इसके साथ ही तहसीलों की बात की जाए तो शामली, कैराना और उन शामिल है। कुल साक्षरता की बात की जाए तो 53.89% है। जनसंख्या घनत्व 1125 और लिंगानुपात 878 है। अब बात करते हैं कुछ धार्मिक स्थलों की। हनुमान मंदिर, जैन मंदिर जलालाबाद, पीर बिलौली झिंझना। इसके साथ अगर औद्योगिक स्थलों की बात की जाए तो रिमधुरा उद्योग और चीनी मिल एवं डिस्टली पेपर मिल भी यहीं पे है। इसके साथ ही शामली पहले प्रबुद्ध नगर जिले के नाम से अस्तित्व में आया था। इसके बाद पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में कुरुक्षेत्र युद्ध में हस्तिनापुर जाते समय श्री कृष्ण ने हनुमान धाम में विश्राम किया था एवं पुराने कुएं का शीतल जल ग्रहण किया था। कुछ कथाओं के अनुसार ये नगर कुंती पुत्र भीमसेन के द्वारा बसाया गया था। प्राप्त सबूतों के अनुसार मराठा सेनानियों ने इस जगह को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में अपनी छावनी के रूप में भी प्रयोग किया था। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी ने इसे अपने छिपने के लिए एक सुरक्षित स्थान भी माना था। और तो और, अंग्रेजी सत्ता के समय स्वतंत्रता सेनानियों ने पुरानी तहसील को जलाकर 1857 की क्रांति का उद्घोष किया था तथा अपनी कुर्बानी दी थी। तो प्यारे दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे किसी नए शानदार वीडियो के साथ।